बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसमें शामिल है बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, शिम्बा, गोलियों की रासलीला, गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री को एक अलग ही पहचान दिलाई थी। रणवीर सिंह एक अभिनेता है मुंबई में जन्मे। सिंह हमेशा अभिनेता बनना चाहते थे, परंतु कॉलेज के दिनों में उन्हें लगा कि अभिनय का ख्याल काफ़ी दूर की बात है और उन्हें लेखक की ओर लक्ष्य क्रेडिट किया गया। इनकी शादी नामी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से 2018 में हुई है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते जा रही है। बताया जा रहा है रणवीर सिंह की निधन हो गई है, रणवीर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी हमारी वीडियो के तहत। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, रणवीर सिंह का निधन हो गया। पूरी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते जा रही है कि रणवीर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि इनकी निधन हो गई। ये बताया जा रहा है कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। कार एक्सीडेंट के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और डॉक्टरों का कहना था कि इनकी बहुत ज़्यादा खून बह चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए और मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में इनकी निधन हो गई। लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है कि पुष्टिकरण ना ही इनके फैमिली की तरफ से हुई है और ना ही कोई बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से हुई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इनके हेटर्स के द्वारा फैलाया गया न्यूज़ है। दोस्तों, आपने भी ऐसी कोई वीडियो देखी है या फिर सुनी है तो इस पे विश्वास ना करें। तो दोस्तों, कॉमेंट्स बॉक्स में उनके हेटर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस दमदार एक्टर के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात पर कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।